नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रभुत्व वर्ग सम्मेलन आयोजित करने वाली है। बता दें, 5 सितंबर से शुरू होने वाले इन सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री संबोधित भी करेंगे। तो बता दें, अब ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो बीजेपी भी अब जो है वो दूसरी पार्टियों का फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ रही है, बीएसपी का फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ रही है। बता दें, बीएसपी पहले से ही प्रभुत्व सम्मेलन यूपी के तमाम जिलों में करती आ रही है। ऐसे में अब बीजेपी भी सभी सीटों पर सभी जिलों में ये प्रभुत्व सम्मेलन जो है वो आयोजन करने वाली है, और ऐसे में 5 सितंबर से इस सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। तो विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी ने जो है बीएसपी का ये फॉर्मूला अपना लिया है, और ऐसे में प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी की भी करने वाली है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से शुरुआत होगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ये सम्मेलन करने वाली है, और लगातार जो है तमाम पार्टियां लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और सीटों पर अपनी और मजबूत पकड़ बनाने में लगी हुई है, जिसके तहत अब बीजेपी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए अब बीजेपी ने भी सभी विधान सीटों पर ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजन करने का फैसला कर लिया है। बता दें, 5 सितंबर से यानी कि 2 दिन बाद ये सम्मेलन शुरू होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी इस सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। इसी को लेकर अब सभी पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है, और गरीब जनता जहां पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी, वहीं अब गैस सिलेंडर भी उसको महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और बता दें एक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष पार्टी के लोग भी सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध जताते हुए नजर आए, और ऐसे में उन्होंने विरोध जताया बढ़ती महंगाई को लेकर। ये देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर ही गैस सिलेंडर रखकर रोटियां बनाई जा रही हैं, और बढ़ती महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन हुआ है। दरअसल कल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, जिसको देखते हुए अब लोगों को जो है और महंगाई झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए विपक्ष जो है तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। इसी को लेकर अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी कार्यकर्ताओं ने भी ये प्रदर्शन किया है और महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लापरवाही के चलते 3 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, और साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक स्वास्थ्य आगरा मंडल डॉक्टर एके सिंह ने भी गुरुवार देर शाम बताया कि बुधवार शाम तक 41 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद था, और उनके अनुसार देर रात तक 4 और लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कि आंकड़ा 45 पहुंच गया है। वहीं बताया गया है कि आज 2 और बच्चों की डेंगू बुखार से जान जा चुकी है, जिससे जनपद में अब तक डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित लोगों का मौत का आंकड़ा 47 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में फिरोजाबाद सहित यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर यह वायरल बुखार का कहर देखने के लिए मिल रहा है। डेंगू मलेरिया के साथ साथ वायरल बुखार से काफ़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो दिन पर दिन बीमार होते नजर आ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं लोग। ऐसे में फिरोजाबाद में हालात जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। अस्पतालों में मरीजों की बच्चों की लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा लगी हुई है। ऐसे में ये वायरल बुखार जो है बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर कर रहा है, हालाँकि बड़े लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।
हैं, लेकिन अभी तक काफी संख्या में जो बच्चे हैं वो इस वायरल बुखार की चपेट में आ चुके हैं और कई बच्चों की जान भी जा चुकी है। अब तक फिरोजाबाद की बात कर ली जाए तो 47 लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी है डेंगू मलेरिया वायरल बुखार के चलते। तो बता दें फिरोजाबाद में भी अब डेंगू बुखार और ये वायरल बुखार का कहर जो है देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि आगरा हो गया, सहारनपुर हो, तमाम ऐसे जिले हैं, लखनऊ हो, जहां पर इस वायरल बुखार और डेंगू से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में पीड़ित हैं और बुखार की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं फिरोजाबाद के काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते नजर आ रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही हालत और ज़्यादा ख़राब मरीजों की वहाँ पर हो रही है। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीते कुछ दिन पहले फिरोजाबाद गए थे, वहां पर उन्होंने अस्पताल में मरीजों से जो है मुलाकात भी की थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, अभी हालात फिरोजाबाद में कैसे हैं, कितने मरीज जो है इसकी बुखार की चपेट में आ चुके हैं और कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है? ये मैं बताना चाहूंगा कि फिरोजाबाद में जो डेंगू वायरल इस समय फैला हुआ है उससे हालात काफी खराब हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था, बावजूद इसके अभी इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है और स्वास्थ्य विभाग हालांकि प्रयासों में जुटा हुआ है, लेकिन क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही इसकी तैयारी कर ली जाती जो शुरुआत में जब केस आए थे, तो शायद मैं जानता हूँ कि अब तक जो 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है ये इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है जिससे इतने लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल किशन, और देखिए लगातार जो है ये फिरोजाबाद ही हो गया या फिर और जिले यूपी में ऐसे हैं जहां पर इसका कहर देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए सैंपल्स भी लगातार लिए जा रहे हैं। तो क्या अभी तक सैंपल्स जो लिए गए हैं उनमें साफ हो पाया है कि ये बुखार आखिर है क्या, क्या इसके लक्षण है और किस तरह से ये फैल रहा है, कितनी ज्यादा इसमें फैलने की क्षमता है, क्या इन सब बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक अगर सीएमओ नीता सुरेश की अगर बात करें तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये डेंगू वायरल है और जो कि पानी जो बारिश अभी हुई थी जो पानी जगह जगह जमा हुआ है उसके कारण ये जो पानी जो भर गया है उसके कारण जो मच्छर पैदा हुए हैं उससे ये डेंगू वायरल फैला है। और हालांकि इसको देखते हुए प्रशासन और नगर निगम नगर पालिका द्वारा चौकी कराई जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल में हालात ऐसे हैं कि अभी भी सैकड़ों लोग इस वायरल फीवर की चपेट में हैं और इसको लेकर हालांकि लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ वही, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया है जिसमें 10 से 12 लोग लगाए गए हैं, जहाँ सूचना मिलती है वहाँ पर डॉक्टरों की टीम भेजी जाती है जाँच के लिए, लेकिन अभी जो जाँच की गई है उसके अभी सैंपल नहीं आए हैं, तो जिसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये डेंगू वायरल है या कुछ और। बिल्कुल किशन, और देखिए एक बात और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि देखिए हर साल इस तरह का बुखार जो है वो बच्चों को या फिर बड़े लोगों को होता है, अमूमन इसी मौसम में जो है ये बुखार लोगों को ज्यादा चपेट में लेता है आपने, लेकिन देखिए इस बार जो है बच्चों की जो मौत इस बुखार से सबसे ज्यादा हो रही है, बच्चे ही इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे, क्या उनको इलाज नहीं मिल पा रहा सही से जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है या कोई और वजह हो सकती है? ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर इलाज की बात करें तो आखिर हालांकि लोग जब शुरुआत में बुखार होता है तो छोटे मोटे डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और जब ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तब जिला अस्पताल पहुंचते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो परिजनों की लापरवाही भी मानी जा सकती है कि अगर किस तरीके से बुखार हो तुरंत अगर जिला अस्पताल जाया जाए वहाँ जाँच कराई जाए तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जरा सा बुखार आने पर फैला छाप डॉक्टर्स का लोग चले जाते हैं जिसका ये नतीजा है। और हालांकि जैसा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये हर साल मालूम है कि बारिश होती है और बारिश में पानी भी जमा होता है, तो पहले से जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी नहीं की जाती है जिसको लेकर ये इस बार जो काफी इंजरी हुई है, तो मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी रही है।
जी चलिए किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वायरल बुखार से काफी भारी संख्या में लोग और बच्चे जो हैं वो चपेट में आ रहे हैं। डेंगू और वायरल बुखार का कहर पूरे यूपी में इस समय देखने के लिए मिल रहा है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर भारी संख्या में मरीज इससे मिल रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये जरूर है कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं और बच्चों में जो संक्रमण पाए जा रहे हैं वो कोई कोरोना का नया संक्रमण नहीं है, यानी कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये जरूर राहत की बात है। लेकिन सबसे चिंता की बात ये है कि बच्चे इसकी सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं और बच्चों की ही जान जो है वो इस बुखार से सबसे ज़्यादा जा रही है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का तीसरा चरण चल रहा है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और खुद की सुरक्षा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसकी थीम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस थी। यानी कि आज भी ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ होती है और ऑफिस में महिलाओं को तमाम तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। इसी के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट के ऑडिटोरियम में मिशन शक्ति के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया था और महिलाओं को जागरूक किया गया। तो ऐसे में लगातार बता रहे मिशन शक्ति के तहत जगह जगह पर वर्कशॉप लगाई जा रही है, महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है रोकने का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। यदि इसकी जानकारी उसके मेंबर्स और चेयरपर्सन को ही नहीं होगी तो वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उनको चिन्हित किया गया है। और अब इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें ये पता चलेगा, इसीलिए हम इंटरैक्टिव सेशन बना रहे हैं कि कितने लोगों को इसका पता है और कितनों को नहीं, और अगर उनके डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर करेंगे। और ये लोग जब बाहर अपनी कंपनियों में वापस जाएंगे तो ये अच्छे से काम कर सकते हैं और मुझे लगता है इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब हम देखा जाता है कि वर्क प्लेस पर जब ऐसी कंप्लेन होती है तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर महिला जो करती है अपनी जॉब को लेकर करती है। बिल्कुल ठीक है, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हमने देखा है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी महिला के साथ हुआ होता है तो उसको विक्टिम की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, उसको कल्प्रिट की तरह ट्रीट किया जाता है। जी लगभग 150 कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी विभागों और एनजीओस को हमारे द्वारा इनविटेशन भेजा गया था इस बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप के लिए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है उस पर अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए है। और इसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो सब ऐसे हैं जो अपने अपने संस्थान में या तो एचआर लेवल पे मैनेजरियल लेवल के प्रतिनिधि हैं या फिर जो एक आंतरिक जांच कमेटी होती है इस अधिनियम के अंतर्गत सभी बड़े कार्यस्थलों के, उनके सदस्य या अध्यक्ष हैं। तो मकसद इसमें यही है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष महोदया हैं और जो उनके साथ टेक्निकल टीम आई है जो बहुत अच्छे से इस अधिनियम को समझते हैं और इसको कैसे इन्फोर्स करना है उसको समझते हैं, वो सब आके हमारी इस ऑडियंस को ट्रेन करते हैं। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन से फर्जी आईटी बनाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ठगी करने वाले इस गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के बैंकों को सीज कराकर 26 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि इस गैंग के 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, सिम और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। वहीं साइबर क्राइम पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और लाखों की ठगी करते वाले गिरोह का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी करते हुए मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से गांजा भी बरामद किया है, बता दें जिसकी कीमत करीब 3,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में प्रयोग की गई स्विफ्ट डिजायर और टाटा ट्रक को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक के 25,000 का नगद पुरस्कार भी पुलिस अधीक्षक की तरफ से दिया गया है।
तो हाथरस का ये पूरा मामला है जहां पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ऐसे में गांजा जो पकड़ा है पुलिस की तरफ से उसकी कीमत जो है वो कई करोड़ रुपए में बताई जा रही है। ऐसे में स्विफ्ट डिजायर कार और टाटा ट्रक को भी पुलिस ने बरामद किया है। पर हाथरस पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान कुल 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 727 किलो अवैध गांजा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त गांजा तस्करी में प्रयुक्त 2 गाड़ियां, 1 स्विफ्ट डिजायर कार तथा 1 टाटा ट्रक इनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दीपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। शायद दीपेश से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये हाथरस में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और पुलिस को ये कामयाबी मिली है। गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें उनके पास से पुलिस ने गांजा भी बरामद किया है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसके साथ ही तस्करी के प्रयोग में की गई स्विफ्ट डिजायर कार और टाटा ट्रक को भी पुलिस ने इनसे बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। तो हाथरस का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से जो गांजा पुलिस ने बरामद किया है उसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलिए दीपेश कुमार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हाथरस से। दीपेश, क्या ये पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट है? पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। जी गजल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला परसों रात का बताया जा रहा है जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम को सटीक सूचना मथुरा हाईवे रोड पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक में सूचना मिली कि इसमें गांजा लेकर कुछ तस्कर हाथरस से निकल रहे हैं। जी, तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर एक स्विफ्ट कार को और एक ट्रक को रोड पर दबोच लिया जिसमें 6 अभियुक्त मौके पे गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के पास क्या ये जानकारी मिली है कि ये लोग गांजा कहां से लाए थे और कहां पर ले जा रहे थे? जी, अभी तक ये पूरा मामला जो है इसमें ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये माल कहां से और कहां के लिए जा रहा था, आया कहां से था और जा कहां रहा था। जी चलिए दीपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाथरस का पूरा मामला है जहां पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से गांजा भी बरामद किया है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ऐसे में बता दें कि पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता मिली है और पुलिस टीम ने जिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है अभियुक्तों को उन्हें पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 नगद जो है पुरस्कार दिया गया है। यूपी के जिले में डायल 112 में तैनात महिला कांस्टेबल ने पारिवारिक कलह के चलते जहर खा लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस हमराहियों ने महिला पुलिस को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं महिला पुलिस ने आरोप लगाया कि कई बार थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते उसने जहर खा लिया जिसकी वजह से उसकी हालत अब गंभीर होने पर महिला सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो मऊ का ये पूरा मामला है जहां पर महिला कांस्टेबल ने पारिवारिक कलह के चलते जहर खा लिया। हालांकि महिला की तरफ से ये बताया गया है कि कई बार थाने में शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इससे परेशान महिला ने ये कदम उठाया है। एक महिला कांस्टेबल जो 112 के आर्मी में काम करती है, 112 नंबर की में काम करती है, उसने जहर खाया है। उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, उसका पति जो है कुशीनगर में नौकरी करता है, दोनों में कुछ आपसी टेंशन है
इसके पहले भी वो दो तीन बार इस तरह की घटना कर चुकी है। उसकी तबीयत ठीक है और पूरी तरह ठीक है, उसको दवा करा दी गई है, अब ठीक है। उसका पुलिस वो प्रार्थना पत्र को उसके जो रहने वाले हैं, जो उसका पति नौकरी करता है, वो उसी नगर में करता है, उसी नगर का जुरिस्डिक्शन है। और प्रार्थना पत्र उसके कई बार हम लोगों ने बात भी किया है वहाँ से, इसके पति से भी बात किया है, इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं फतेहपुर जिले के असौथर थाना क्षेत्र में राम गंगा नहर में बहता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर शिनाख्त में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक शव कई दिनों पुराना है, जिसकी शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले में CO अनिल कुमार ने बताया कि असोथर थाने क्षेत्र के नहर में एक डेड बॉडी मिली है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि ये डेड बॉडी 10 से 15 दिन पुरानी है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, वहीं शिनाख्त की कोशिश अभी की जा रही है। असोथर में नहर में डेड बॉडी मिली है, जिसको देखने से प्रतीत हो रहा है कि 10 या 15 दिन पुरानी डेड बॉडी है। इस संबंध में थाने द्वारा पंचायतनामा में कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को रवाना किया गया है। डेड बॉडी पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के कसीमाबाद थाना क्षेत्र में एक 40 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता दें मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गाँव के रहने वाले भुआली राजभर का शव गेहूड़ी गांव के में सड़क के किनारे मिला था, जिनके गले पर गहरे धारदार हथियार के निशान थे। बुहाली की किसी धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बुहाली ने किसी को अपनी कुछ जमीन बेची थी, जिसका पैसा बकाया चल रहा था। जब उन्होंने अपने पैसों की मांग की तो उनकी गला ब्रेक कर हत्या कर दी गई। फिलहाल घर वालों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं SP डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस बात की पुष्टि की कि जमीन के पैसे के लेन देन को लेकर इनकी हत्या की गई है। जनपद गाजीपुर के थाना कासमाबाद अंतर्गत आज गेहूड़ी गांव के पास रोड पर प्रातः वासुदेवपुर थाना मोहम्मदाबाद के निवासी भुआली राजभर, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, का शव मिला। इस शव के मिलने की सूचना पर मौके पे पुलिस गई, हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि गर्दन पर धारदार हथियार से मार करके इनकी हत्या की गई है और वहां पे उनको फेंका गया है। इस संदर्भ में परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन आए हैं। कुछ लोगों को जमीन के विवाद के संदर्भ में, जमीन इन्होंने बेची थी और उसका पैसा अभी तक इनको मिला नहीं था। गोंडा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के सामने प्रत्यक्षदर्शी नरेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया, जिसमें गवाह नरेंद्र सिंह और उनके परिवार ने जान का खतरा बताया है। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी नरेंद्र सिंह स्वर्गीय पंडित सिंह के भाई हैं। वही हमले के गवाह भाई को पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके चलते गवाह और उसके परिवार ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। वहीं इसके बाद विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने SP को तत्काल नरेंद्र सिंह को आजीवन सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि 28 साल पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह पर हमला किया गया था और पंडित सिंह पर हमले में BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल था। वहीं ये भी बता दें आपको कि कोरोना से पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह की मौत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। सपा के कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव, ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। बता दें समाजवादी पार्टी कार्यालय में गुरुवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने सभी को चौंका दिया। पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में मौजूद थे कि अचानक उनके पिता और समाजवादी पार्टी संरक्षण मुलायम सिंह यादव कार्यक्रम में पहुंच गए। अखिलेश ने तुरंत उठकर उनके पैर छुए और पूरा हॉल नेताजी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।
पूछा था। वहीं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने एक मंच साझा कर आने वाले चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। बता दें समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जनवादी पार्टी ने 16 अगस्त को बलिया से जनवादी जन क्रांति यात्रा शुरू की थी, जिसका गुरुवार को समापन हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव अचानक पहुंच गए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जागरूक हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसी का परिणाम है इतनी संख्या में यहां पर आए हैं। और मुलायम सिंह ने सभी का स्वागत कर बधाई भी उन्हें दी। उन्होंने कहा कि आज जितने लोग यहां पर पहुंचे हैं, अगर ऐसा ही हुआ और हॉल होता तो वो भी कम पड़ जाता, हॉल में बैठने खड़े होने की जगह नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आपके प्रयास हैं। बता दें मुलायम सिंह ने 22 में साइकिल की बात भी कही है। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी ही पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।